भाइयों बहनों, बीजेपी सरकार में आज का नया भारत नए हौसले के साथ आगे बढ़ रहा है। आजादी के इस अमृत काल में हम भारतीयों ने विकसित भारत बनाने का संकल्प लिया है। विकसित भारत के लिए हम सभी को मिलकर प्रयास करना है, बहुत मेहनत करनी है, लेकिन इसके साथ ही अतीत में कांग्रेस सरकारों से जो गलतियां हुई हमें उससे भी सबक लेना है। साथियों, अगर मैं आपसे पूछूं कि आजाद भारत के इतिहास का सबसे बड़ा फ्रॉड क्या है, तो आप क्या बोलेंगे? मुझे मालूम है क्या बोलेंगे। कोई कहेगा 2G घोटाला, कोई कहेगा कोयला घोटाला, कोई कहेगा बोफोर्स घोटाला, कोई कहेगा हेलीकॉप्टर घोटाला, कोई कहेगा यूरिया घोटाला। सबके अपने अपने जवाब हो सकते हैं, लेकिन आजाद भारत के इतिहास में एक और बड़ा घोटाला, एक और बड़ा फ्रॉड, एक और जबरदस्त धोखा जनता के भावनाओं पर, उनके जीवन पर 50 साल पहले हुआ था। और मैं याद दिलाना चाहता हूं, ये फ्रॉड था कांग्रेस द्वारा 50 साल पहले देश में गरीबी हटाने की गारंटी। कांग्रेस की हर गारंटी के साथ कांग्रेस के नेता और अमीर हो जाते हैं और देश का नागरिक और गरीब हो जाता है। कांग्रेस के इसी फ्रॉड के कारण 2014 तक देश के 10 करोड़ से ज्यादा परिवारों के पास शौचालय नहीं था। कांग्रेस के इसी फ्रॉड के कारण 2014 तक करीब 50 करोड़ लोगों का बैंकों में खाता तक नहीं था। कांग्रेस के इसी फ्रॉड के कारण देश के लाखों गांव सड़क संपर्क से वंचित थे। कांग्रेस के इसी फ्रॉड के कारण आजादी के इतने दशकों बाद भी 16 करोड़ घरों में नल से जल नहीं पहुंच रहा था। कांग्रेस ने 50 साल पहले गरीबी हटाओ का ये फ्रॉड शुरू करके बरसों तक हर चुनाव में इसे बुनाया, गरीब को झूठा वायदा कर बरसों तक तरसाया।